वर्तमान की परिस्थितियों में एक तो कोरोना महामारी का बोलबाला है भारत में नहीं पूरी दुनिया में, और पिछले 4000 साल से अधिक हो गए जितने भी वायरस जन्मे वो सारे प्रकृति की देन है। ये पहला वायरस है जो इंसान ने बनाने की कोशिश की, इसलिए इस वायरस की मोहर है मेड इन चाइना, ये चीनी मार वायरस उनके हाथ से फिसल गया, इसलिए अधमरा वायरस है और हवा से संक्रमण नहीं करता है, मैन टू मैन ज़्यादा संक्रमण करता है। तो अब एक गंभीर प्रश्न तो खड़ा ही है, वो ये कि आखिरकार चीन इतने घातक जैविक हथियार को क्यों तैयार कर रहा है। इसमें ना चीन की खुशहाली है ना दुनिया में किसी देश की खुशहाली है, इंसान और इंसानियत की और बर्बादी के अतिरिक्त इसमें कुछ नहीं है। इसका मतलब है कि चीन ने अपना इरादा बहुत साफ कर दिया कि वह अब दुनिया में तबाही मचाएगा और अपनी सैनिक शक्ति से दुनिया का एक बड़ा लीडर बनेगा और आर्थिक मंडी में भी दुनिया में वो कब्जा करेगा। बड़ा तानाशाह वो बनने का सपना लेकर चला है। ऐसे सपने कभी सिकंदर ने लिए थे, कभी नेपोलियन बोनापार्ट ने लिए थे, और भी कई तरह के ताकतें आई जिनके कभी ये सपने पूरे नहीं हुए, वो सपने खत्म हुए। कभी रावण ने भी लिया था, कभी कंस ने भी लिया था, वो भी चकनाचूर हो गया, परंतु इसने ये सपना लिया है और उस बर्बादी की तरफ वो बढ़ गए। इसलिए कोरोना महामारी से जूझना एक काम हो गया है, और उधर चीन की अधिनायकवादी और इन गैर इंसानियत की राक्षसवादी विस्तारवादी जो षड्यंत्र का के तौर तरीके हैं उनका सीधा चोट इस समय भारत पर है, और ये भारत पर नहीं रुकेगी, ये आसपास भी फैलती जा रही है। उसने सिक्यांग जो एक मुस्लिम सूबा था वो हड़पा, फिर तिब्बत हड़पा, 12 लाख लोगों का कत्ल करके, ताइवान पर और हांगकांग पर उसकी गिद्ध दृष्टि है और हाहाकार मचा रहा है, बैठा है। लद्दाख का एक्साइज चीन उसके कब्जे में, लाहौल स्पीति हिमाचल और पिथौरागढ़ का ऊपर के हिस्से में उसकी सेना बैठी है, और सिक्किम और अरुणाचल की तरफ भी उसके सैनिक दबाव हैं। नेपाल का 11,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल वो कब्जा चुका है, और नेपाल की सरकार को आर्थिक दबाव में इतना ले आया है कि नेपाल की सरकार ने चीन के खिलाफ प्रस्ताव करने के बजाय भारत के खिलाफ बेबुनियाद प्रस्ताव कर दिया है जिसका कोई मतलब नहीं है। इनसे और ये गिलगित बाल्टिस्तान मुजफ्फराबाद से होते हुए और सड़क लेते लेते गवादर सी पोर्ट पर उसने डेवलप करके समुद्र में और इस सारे से सड़क मार्ग में इस सारे इलाके पर कब्जा करना, उसके विकास में दो कंडीशन पक्की हैं, सुरक्षा में उसकी सेना रहेगी और कर्मचारी जो वहाँ रहेंगे उसमें 70% से अधिक कर्मचारी उसी के रहेंगे, 30% जहाँ वो कर रहा है उसके रहेंगे। तो इसका मतलब है एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का भूभाग भी हथियाना, इस सारे के अंदर से भारत ने तो रजिस्टर करना शुरू किया, यह पहले से भी कर रहा है, नेपाल सरकार और चीन के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया, और इधर पाकिस्तान में भी कुछ सांसदों ने और जनता के लोगों ने और पत्रकारों ने लिखना शुरू किया है, डेंजर इज नॉट फ्रॉम भारत, इफ देर इज एनी क्लियर डेंजर और विच इज मोर डेंजरस दैट इज एक्सटेंशनिज्म ऑफ चाइना जो है वो है। ये आवाज़ बहुत मुखरनी हुई है परंतु चिंगारी लगी है, सुलगने तो लगी है,
और उनको लगता है कि चीन जो है इसको खा सकता है पाकिस्तान। हिमाचल प्रदेश और लद्दाख से जुड़ा हुआ जो हिस्सा है, जहाँ पेंगोंग लेक है और बाकी है, तो लाहौल स्पीति किन्नौर का हिस्सा है हिमाचल का, और इधर लद्दाख का हिस्सा है पेंगोंग लेक। यहाँ हाई रेड अलर्ट है, परसों रात को और बहुत बड़ी झड़प हुई, भारत के भी 20 कर्नल सहित ये सैनिक शहीद हुए, उनके भी 43 हताहत हुए हैं, बॉडीज लेकर गए हैं, आंकड़ा अलग अलग से नहीं आया है, परंतु ग्लोबल टाइम के अनुसार मृतक संख्या शायद भारत से अधिक है उसकी, क्योंकि उसी ने फ्लैश किए हैं दोनों न्यूज़ जो है। पर जो भी हो, इतना पक्का हो गया कि चीन पर ये भरोसा करना कि वो सीमाओं पर शांति रखेगा, पड़ोसियों को भारत के साथ सद्भावना में रहने देगा, इसके आसार कम होते जा रहे हैं। इसलिए जनता ने क्या करना और सरकार ने क्या करना, ये प्रश्न है। सरकार पर लोगों को बहुत भरोसा है कि वो डोकलम से अगर चीन की सेना को हटा सकती है, सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान को सबक सिखा सकती है, वो संसद में ये घोषणा कर सकती है कि मुजफ्फराबाद, गिलगित, बाल्टिस्तान, वजीरिस्तान हमारा है, ये किसी ने भूलना नहीं चाहिए। अगर सरकार ये घोषणा कर देती है, अब मौसम तापमान बताते समय हम और मुजफ्फराबाद का, गिलगित बाल्टिस्तान का भी तापमान बताएंगे, एक्साइज चीन का भी, और ये भी कर सकती है कि आप लोगों को किसी पाकिस्तानी पासपोर्ट वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, केवल एक चीज़ में अभी सहूलियत देंगे, बाकी का विचार करके तय करेंगे, और वो है कि अगर कोई बहुत सीरियस बीमार है, डेंजरस बीमारी में मौत की तरफ, वो इलाज के लिए आना चाहे तो भारत आ सकता है, उसको सीधी अनुमति है। यह जब विदेश मंत्री के रूप में सुषमा स्वराज थे, उस समय उन्होंने घोषणा की थी, पर घोषणा तो नरेंद्र मोदी सरकार की ही थी। तो ये कदम बात तो साफ साफ कहते हैं कि भारत के जो CDS हैं इस समय, बिपिन राव रावत ने जो एक स्टेटमेंट दिया था सेना अध्यक्ष होते हुए, हम भारत के लोगों को अपनी मातृभूमि के लिए काम करने में बहुत मज़ा आता है, अगर हम जीत जाएं तो खुशियां मनाते हैं, अगर मौत आ जाए तो हमें स्वर्ग मिलता है, इसलिए हम एक एक सीमाओं पर नहीं, दो दो तीन तीन सीमाओं पर भी अपनी तैयारी रखते हैं। वी लव आवर मदरलैंड, एवरी इंच ऑफ दैट मदरलैंड, इसलिए इसके लिए मरना ये हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता है, हम अपनी हिफाजत करना पक्का जानते हैं और करके रहेंगे। अपने माल से ही हम भारत के लोग और भारतीय लोग चलेंगे, तो यह भी एक साथ साथ में संकल्प होना बहुत ज़रूरी है, साफ सुथरा। तो मुझे ये लगता है कि देश की जनता मेजोरिटी इस मानस से जुड़ती चली जाएगी, और जो रह भी जाएंगे उनको जीने में कठिनाई शुरू हो जाएगी, लोग धकिया भी नियंत्रित होगा, और एक कमिटमेंट ऑफ पीस इन एशिया एंड द वर्ल्ड ये बढ़ेगी। और इसी के साथ साथ एक बात और कहूँगा, हमने जैसे पाकिस्तान आतंकवाद के रूप में विश्व जनमत बनाया था, ऐसे ही चीन के विरुद्ध भी एक वैश्विक जनमत बनाना चाहिए। जैसा आपका बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है कि नेपाल भारत की मित्रता रही है, आज तक सीमाएं जो हैं सैनिक सीमाएं नहीं बनी हैं, आज भी भारत में 70-80 लाख से अधिक नेपाली लोग रहते हैं, उनको कोई विदेशी मानकर आचरण नहीं करता, आज भी भारत की फौज में और नौकरियों में उनको सम्मिलित किया जाता है, 6,000 करोड़ प्रति वर्ष पेंशन के रूप में नेपाल में रहने वाले उन नेपाली और गोरखालों को जाता है जिन्होंने भारत की सेना में भारत माता की जय, वंदे मातरम बोल के स्वर और वो सर्व किया है। तो इतना सब होने पर भी, और उनका आर्मी चीफ भारत आए,
तो भारत की सेना सैल्यूट देती है, हमारा चीफ जाए तो वहाँ की सेना सैल्यूट देती है। ये रिश्ते आज भी हैं, परंतु धार्मिक रिश्ते भी हैं, ऐतिहासिक रिश्ते भी हैं, भौगोलिक रिश्ते भी हैं, सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं। परंतु वहाँ पर जो माओवादी सरकार है, जिसकी लीनिंग चीन है, जिसकी लीनिंग भारत कम है, दुर्भाग्य से वो सरकार है। भारत में भी आज तक 72 साल की आज़ादी के बाद भी लेफ्ट आज भी प्रो चाइना है, प्रो भारत नहीं। अभी इतना बड़ा ये सब चीन के साथ फसाद चला, शायद माओवादियों का कोई साफ सुथरा स्टेटमेंट आज भी नहीं है, कम्युनिस्टों का नहीं है। सो कॉल्ड सेकुलरिस्ट जो लेफ्टिस्ट स्टाइल के हैं, ऐसे नेताओं के भी नहीं है। यह दुर्भाग्य है, इनकी जितनी भी निंदा की जाए कम है, जितना भी इनका बायकॉट किया जाए वो कम है। तो इसलिए चीन ने एक सत्ता का संतुलन वहाँ हिल रहा था, और कम्युनिस्ट को मिलाकर ये सत्ता में रहें, ये चीन ने अपने पैसे से और दबाव से किया, और उसके एहसान में नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी ने और नेपाल के माओवादी लोगों ने सरेंडर कर दिया चीन के आगे। एंटी भारत भी हो गए और नेपाल के भविष्य को भी उन्होंने अंधकार में धकेल दिया।